Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, शाम के बज रहे हैं, 8 बज चुके हैं। अब शाम के तो नहीं खाएंगे, 8 के रात बज चुके हैं अब। और हम मार्केट आए थे, ये नवरात्रि से एक दिन पहले की वीडियो है। जब नवरात्रि से एक दिन पहले मार्केट हम आए थे नवरात्रों के लिए सामान लेने के लिए, जो भी मतलब पूजा पाठ का कोई भी सामान होता है, चौकी लगाते हैं ना, तो उसके लिए मतलब सामान की शॉपिंग करने आए थे, छोटा मोटा जो भी नवरात्रों में चाहिए होता है। तो एक दिन पहले हम मार्केट आए थे, तो ये उसी दिन की वीडियो है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैं बाहर गई हुई हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था, तो बस मैंने वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, इतना ज़्यादा रश था। तो बस जैसे तैसे सामान लिया मैंने और फिर मैं घर पे वापस आ गई। घर पे वापस आई तो हस्बैंड आ चुके थे शॉप से, बस मैंने जल्दी जल्दी आके ना खाना बनाया और उनको खाना दिया। भूख लग रही थी उन्हें भी, काफ़ी देर हो गई थी। पता है, मैं 5 बजे गए थे हम लोग, मैं मेरी ननंद गए थे, तो दोनों लोग हम लोग गए थे, तो 5 बजे से 8 बज गए थे। इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी ना, बहुत भीड़ के चक्कर में, मतलब हर दुकानों पर भीड़ थी कि क्या बोलो, इतनी ज़्यादा नवरात्रों की शॉपिंग के लिए इतनी भीड़ हो रखी थी ना। और हर टाइम ऐसे ही होता है, और हम ना नवरात्रों से एक दिन पहले ही नवरात्रों की शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान होता है चौकी का जो भी है, कलश वगैरह लेने जाते हैं। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, हस्बैंड खा लेंगे टेंशन फ्री। अपनी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जब हस्बैंड खा लेते, वरना ना वो कहते भूख लग रही है, उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, जल्दी से बना ले खाना। तो फिर मैंने ना सोचा ये खा ले जल्दी जल्दी से, तो मैंने इनकी रोटियाँ सेक दी है, सब्जी मैं बना चुकी हूँ पहले ही। और मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि भूख लग रही थी इनको, यार वीडियो बनाते ना तो और ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले बना ली सब्जी, सिर्फ रोटी बनाते टाइम मैंने सोचा शूट कर लेती, नहीं तो रह जाएगी, मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ की वीडियो कहाँ जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहें ब्लॉग पे। पहले तो मैं बोल देती हूँ आप सबको सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि है ना वीडियो कट करके बनानी पड़ गई है मुझे यार, मतलब जहाँ से शुरू की थी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है वीडियो का, शुरुआत कहीं हुई है एंड कहीं हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये ढोलक क्यों बजा रही है, अभी तक तो ये खाना बना रही थी, अचानक से ढोलक भी बजा रही है, कपड़े भी चेंज हो गए, समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ आप सबको, मैंने इसलिए सॉरी भी बोला है कि मैं आपको इसके जो बीच का ब्लॉग है वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ यार, बहुत बड़ा वाला कांड हो गया मेरे साथ। मैंने कैमरा तो हर जगह लगाया था लेकिन है ना उसको ऑन करना भूल गई, ऐसा हुआ मेरे साथ यार, इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, तो इसलिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैं सोचती थी डालूँ नहीं डालूँ वीडियो, इतना दिमाग ख़राब था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार डालना तो पड़ेगा, ये बीच का ब्लॉग है। पीछे आप देख रहे हो कि नवरात्रों की तैयारी भी हो चुकी है, चौकी भी लग चुकी है और यहाँ कीर्तन भी गाए जा रहे हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि अचानक से भैया ढोलक भी बजने लग गई, और ये भी नहीं पता चला कब नवरात्रों की तैयारी कर दी, कब चौकी लगा दी। तो मैंने सोचा था कि मैं पूरी तैयारी दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, क्या क्या मैंने तैयारी की है, कैसे कैसे चौकी लगाई है शुरुआत से, सब दिखाती।
लेकिन यार मैंने ना कैमरा तो लगाया था, पर मेरी बुद्धि ना इतनी बेकार हो गई, मैंने चेक नहीं करा उसको, वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। चौकियों के सब लगा दी, बाद में मैंने देखा यार वीडियो कहाँ एडिट करे, तो मैंने देखा यार ये तो कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था यार, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो ये नवरात्र के पहले ही दिन की वीडियो है, नवरात्र के पहले ही दिन को से मैंने शूट किया है इसको। जो बीच का था वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहानी के कहाँ गायब हो गया बीच का पार्ट। तो जो है ना शाम की वीडियो है, नवरात्र के पहले नवरात्र के शाम को, शाम के टाइम हमने ये 4 बजे कीर्तन शुरू किया था शाम के टाइम 1 घंटे के लिए। पता है मैं डेली 9 दिन तक जोत जलाती हूँ ना, मैं मतलब अखंड जोत जलाती हूँ 9 दिन तक, तो वो जलती रहती है जोत माता रानी की। तो मैं 9 दिन तक अपने यहाँ पर ही मतलब 5 भजन हो कुछ हो मतलब छोटा सा कीर्तन कर लेती हूँ एक ऐसे ही। तो फिर मैंने ना ढोलक बजवाई थी, तो मैंने सोचा मैं ढोलक बजाती चलो भजन कर लेते थोड़े से माता रानी के, बस वही मैंने सोचा थोड़ा सा यही शूट कर लेती पहले नवरात्र का। कुछ तो रहा नहीं मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने क्या किया कैसे नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा ही पार्ट मेरे पास बचा है तो मैंने इसको ही इस पर डाल दिया है, तो इसी को इंजॉय करना प्लीज़। इसीलिए मैं दोबारा से आपको एक बार और सॉरी बोल देती हूँ, पर कोई नहीं वो पार्ट छूट गया सो छूट गया, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, और जो बीत गया उसको याद भी नहीं करना चाहिए। अब यार उसको बीते हुए पल को याद करेंगे तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे, तो वही बात है यार। मैं उसका अफसोस तो बहुत है मुझे कि मैं उसको नहीं दिखा पाई, अपने वीडियो में नहीं डाल पाई, बट कोई बात नहीं। आप अब प्यारे प्यारे से भजन गा के माता रानी को सुना रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल हो जाओ और हमारे साथ कीर्तन का आनंद लो। छोटा सा कीर्तन किया है माता रानी का, 9 दिन तक हम डेली ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहें ब्लॉग पे, इसी का आनंद ले लेना बस थोड़ा सा और कुछ नहीं। शौक है वीडियो बनवाने का किसी को ना हो, इसको शौक है वीडियो बनवाने का, वो देखो देख रही है वहां भी। मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अब थोड़ी सी सबके लिए, थोड़ी थोड़ी सी क्योंकि सबका ना फास्ट है और शाम का टाइम हो गया कुछ खाएगा कोई है नहीं, और फास्ट में थोड़ी थोड़ी सी चाय हो जाएगी क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता है, तो चाय बना देती हूँ तो शाम को वैसे भी फास्ट का बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताना ज़रूर, अगर अच्छा लगा तो बताना, नहीं अच्छा लगा तब भी बताना, लेकिन हाँ मुझे पता है अच्छा ज़रूर लगा होगा आप लोगों को। और हाँ फिर से एक बार और सॉरी बोलती हूँ यार, ऐसा हो जाती कभी कभी गलतियाँ जो हम नहीं दिखा पाते, गलती से हुई है यार, नहीं तो मेरे को तो दिखाना ही था, मुझे खुद बुरा लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, जो भी वीडियो में है उसको एंजॉय करो, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना, प्यारे प्यारे से कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो, मुझे बहुत प्यार देते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक शेयर करना ज़रूर से, और जो भी नया मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।